मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही ईडी ने आईएएस राजीव अरुण एक्का को समन कर 27 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में तलब किया था। सरकारी फाइल का मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी विशाल के घर पर निपटारे को लेकर उनसे ईडी ने सघन पूछताछ की। इस पूछताछ में राजीव अरुण एक्का ने विशाल के साथ दोस्ती की बात को स्वीकार किया तो वहीं तबादले में लेन देन को लेकर साफ इनकार कर दिया। बता दें, सोमवार को पूर्व प्रधान सचिव से 11 घंटे लंबी पूछताछ हुई। मालूम हो कि सोमवार को राजीव लगभग 12 बजे ईडी के कार्यालय पहुंचे। वहीं रात 9:30 बजे तक हुई पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से बाहर निकले। बता दें, इस पूछताछ में मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने विशाल चौधरी से मित्रता की बात मानी है। वहीं उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन से संबंधित आरोपों से इनकार किया। बताते चलें कि ईडी की ओर से जारी समन के मद्देनजर व पूछताछ के लिए ईडी के सक्षम अधिकारी के समक्ष हाजिर हुए। बता दें कि दिसंबर 2022 में उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर होने से यह कहते हुए रोका था कि ईडी के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस दौरान उन्होंने वायरल वीडियो में खुद के होने की बात स्वीकार की, लेकिन उन्होंने विशाल चौधरी के घर पर सरकारी फाइलों के निपटाने के आरोपों से इनकार किया। वहीं उन्होंने वीडियो में फाइलों के साथ खड़ी युवती के नाम की जानकारी नहीं होने की बात कही। इस बारे में ईडी को राजीव ने बताया कि वह अपने मित्र के अनुरोध पर उसके द्वारा तैयार पत्रों में आवश्यक सुधार कर रहे थे। वहीं इस पत्रों को देखते वक्त वीडियो किसने बनाया इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है। पूर्व प्रधान सचिव ने विशाल चौधरी द्वारा आयोजित किए जाने वाले पारिवारिक समारोह में शामिल होने की बात भी कही। वहीं उन्होंने उसके पावर ब्रोकर के रूप में चर्चित होने की जानकारी से इनकार किया। लगभग 11 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने राजीव अरुण एक्का को पुनः मंगलवार को उन्हें फिर पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था। वहीं ईडी के इस बुलावे पर आज राजीव अरुण एक्का अपनी कार से ईडी कार्यालय के बाहर ही उतर गए। मौके पर मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल भी किया, लेकिन वह बिना जवाब दिए अंदर चले गए। फिलहाल इस वक्त पूर्व प्रधान सचिव आईएएस राजीव अरुण एक्का से पूछताछ जारी है। आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।